संख्या में टिकट खो गए और सारा लूट के ले गए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से जुड़ी है, जहाँ हीरे ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि समस्तीपुर ज़िले में आज अभी इसी वक्त हीरे के ज्वेलरी की दुकान में डकैती की गई है, जहां 10 लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा की डकैती की है। वहीं डकैती करने वालों लोग जो थे वो ग्राहक के रूप में आए थे और उनके साथ डकैती करने में महिलाएँ भी शामिल थी। तो वही डकैती करने वाले जो महिलाएं शामिल थी वो ग्राहक के रूप में आई थी और हीरे ज्वेलरी के मालिक हैं, उनका क्या कहना है इस डकैती पे, पहले आप ये वीडियो देखिए। पानी बना ना ले अपना काट के वो 10 की संख्या में डकैत खो गए और सारा लूट के ले गए। मुश्किल से 10-12 मिनट का समय। किस भेष में आए थे वो लोग? ग्राहक बन के आए थे, महिला भी शामिल थी। महिला भी शामिल। कितने की लगभग लूट हुई है? लगभग 1 करोड़ रुपए की ऊपर लूट हुई है। बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर कहर बनकर टूटे हैं। जी हां, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर नकु स्थान के समीप हीरा ज्वेलर्स में महिलाएं के साथ 6 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर DSP मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो वही हम आपको ये भी बताते चलें कि कल यानी कि सोमवार को 3:30 रात में समस्तीपुर में ही सिनेमा हॉल संचालक के घर भी लूटपाट की गई थी। जी हाँ, जहाँ महिला अकेली रहती थी उनके घर में आकर लाखों की लूटपाट की गई थी, साथ ही कई और भी कीमती सामानों की लूटपाट की गई थी। जहाँ पे उनके बाद उन्होंने बताया कि वो घर में अकेली रहती हैं, उनकी बेटी जो है वो मुंबई में रहती हैं, साथ ही उन महिला के घर के बगल में ही उनके चाचा और उनके बड़े भाई का भी घर है। तो अभी इस वक्त की खबर समस्तीपुर से जुड़ी आ रही है, जहां आज अभी कुछ समय पहले हीरा ज्वेलरी के दुकान में लूटपाट की गई है, जहां 10 लोग इस लूटपाट को अंजाम दिए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और भी इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ फाउंडेशन देखते रहें। धन्यवाद।